एक्सक्यूज मी ना चेक करो ना, साउंड चेक कर लो, साउंड चेक कर लो। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ बराबर है। हमारा मैं साउंड बोलूँगा। ओके मैम, सो इट्स अ डे ऑफ 83 एंड यू आर हियर, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? ओह आई एम वेरी एक्साइटेड, आई रियली लव रणवीर एंड आई रियली वांट टू वॉच द मूवी एंड या वी ऑल आर हियर, सो आई थिंक वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। ओके सो अपार्ट फ्रॉम रणवीर देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स इन दिस मूवी, सो आप किसके लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो? मैं सिर्फ रणवीर सिंह के लिए हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई रियली 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 लव हिम। रणवीर के किरदार के बारे में ट्रेलर में काफ़ी अच्छे लगे, तो आप कुछ कहना चाहोगे? ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर बहुत अच्छा था एंड वो हमेशा बहुत ही अच्छा काम करते हैं, नो मैटर व्हाट रोल ही इज प्लेइंग ही इज ऑलवेज डूइंग हिज बेस्ट। एंड बकफ्रंट की बात करो तो आपको ऑनगोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? सून है, बहुत कुछ है लाइन अप एंड आप सबको बहुत जल्द पता भी चल जाएगा, बट हाँ काम चल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम यहाँ नहीं देखा, मैम यहाँ पर करो, यहाँ पर नहीं देखा, यहाँ भी नहीं देखा, मैम इधर इधर इधर, ये साइड, यहाँ पर बाइट बाइट बाइट। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि जैसी मूवी आएगी वैसे ही देखनी है एंड लकी टू बी हियर ऑन द डे इट्स रिलीज, सो आई एम डैम एक्साइटेड क्योंकि रणवीर सिंह एग्जैक्टली लुक्स लाइक कपिल देव एंड आई हैव हर्ड लाइक अमेजिंग रिव्यूज, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी लाइक मुकेश सर हैज कास्ट इट एंड आई हैव हर्ड इट्स अमेजिंग, सो आई एम रियली एक्साइटेड। I actually have a friend Sahil Khattar in the movie, so I'm actually very 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 excited to see him. सर यू राइट यहाँ पर, सर 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 यहाँ पे, यहाँ पर सर, यहाँ पे थोड़ा बाहर सर, थोड़ा आगे आ जाइए ना यहाँ पर सर, रुकिए भाई इधर, भाई यहाँ पर सेकेंड, आप तुलिका जी थोड़ा सा इधर आइए ना, तुलिका जी थोड़ा सा इधर अंदर आइए ना जी सर, थैंक यू। सो इट्स अ डे ऑफ 83 एंड मूवी रिलीज हो चुकी है और आप स्क्रीनिंग में आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी रेड सम ग्रेट रिव्यूज अबाउट द फिल्म एंड मेरे डैड बहुत बताते हैं 83 के मैच के बारे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो मैच नहीं देखा है, सो माय एक्साइटमेंट हैज़ ग्रोन इवन मोर बिकॉज नाउ आई विल बी सीइंग इट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट मैच, और कपिल सर एंड ऑल द एंसेंबल कास्ट जो इस फिल्म में है उनको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड स्पेशली रणवीर सिंह को बिकॉज जो ट्रेलर में देखा है ही इज एक्चुअली लुकिंग लाइक कपिल देव। यार मैं सबको देखना चाहता हूँ, आई मीन ऑल द कैरेक्टर्स जो भी इस मैच में थे उन सबकी क्या बैक स्टोरी थी, वो लोग रियल लाइफ में कैसे थे, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, सो आई एम एक्साइटेड फॉर हार्डी संधू, आई एम एक्साइटेड फॉर ऑल द अदर एक्टर्स हु आर प्लेइंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स इन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर सर विजुअल, सर विजुअल अपनी फैमिली के साथ देखने आए सर, विजुअल विजुअल सर, मुझे सच में पता नहीं था कि आप लोग भी मिलेंगे, सर 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 रुकिए ना, सर रुकिए ना सर, सर रुकिए ना, फोटो सर, फोटो सर,
सर याद है कि है सर आपका सर 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 राजपाल सर सर यहाँ दिस कैमरा थैंक यू बहुत बहुत ऑल द बेस्ट फॉर 83 टीम के लिए और मेरी मैं बहुत ही वेट कर रहा था मुझे अभी देखने जाना राजपाल सर लेफ्ट है लेफ्ट सेंटर होता भी नहीं क्या मेरा थैंक यू लव यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर ये बहुत क्लेवर है सर ये इसको फोटो करना सेंटर सेंटर सर लुक एट सेंटर सेंटर भाई इधर ये वाला कैमरा उधर है भाई भाई यार मैं 2 साल से एक्साइटेड वो तो मूवी थोड़ी 2 साल के बाद आ रही है मैं 2 साल से अपना एक्साइटमेंट रोक के रखा है और आज आई थिंक फाइनली देखा आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजेस दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर बेस्ट वे टू एंड द ईयर बट वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट वी एंड दीपिका बोथ टुगेदर ओके सो रणवीर सिंह की मैं बात करूं काफी ज्यादा कंप्लीट सॉन्ग के जैसा लग रहे हैं तो आपको कैसा लगा ट्रेलर क्या कहना चाहोगे ट्रेलर का यार ये तो इसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं रणवीर सिंह है ऑब्वियसली ही वर्क्स रियली हार्ड फॉर हिज कैरेक्टर्स एंड कबीर खान हैज ऑलवेज बीन लाइक गुड परफॉर्मर एवरी टाइम ही मेड अ फिल्म एंड कास्टिंग इतनी अमेजिंग रही है सो आई एम जस्ट एक्साइटेड मतलब उनके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज बहुत मेहनत बहुत ही I'm really looking forward to, Sahil Khattar's character. He's playing Sayed Kirmani. Sayed Kirmani, while growing up, was always my favorite wicketkeeper. And unke baad then Mongia mein. And my best friend, and Sahil is a very good friend, and he's playing that character. So jab main pehli baar suna tha, tab se I was like really excited to see him on screen playing Sayed Kirmani. So yeah. So I'm not very well versed with cricket, but obviously I'm very excited to watch all the people that are performing, especially Hardy, Vijay, Ranveer, obviously Deepika. Thank you so much. Thank you. Pratham. Sir, yahan dekhiye right man. Left hander. Center. Pratham, right man. Done by one visual. Very excited. I think I don't know whether I should say this. I've just shot a film with him and I was constantly talking about Gully Boy. मैं हमेशा गली बॉय की बात कर रहा था बट जो इसके रिव्यूज आए हैं आई थिंक इट लुक्स फिनोमिनल ट्रेलर ने ही धमाल कर दिया था सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड जस्ट रियली रियली होपिंग दैट इट बीट्स द एक्सपेक्टेशन क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई हैं तो आई एम जस्ट होपिंग कि मतलब अभी इतनी देर के बाद थिएटर में आ रहा हूँ फिल्म देखूँ आई जस्ट होप आई रियली रियली एंजॉय एंड आई नो आई एम गोना एंजॉय वेरी एक्साइटेड मैंने इनफैक्ट रणवीर जी पोस्ट किया था कि बाबा 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 किल्ड इट आई थिंक ही इज़ जस्ट किल्ड इट आपको वो कुछ सीन्स में ही पता चल जाता है जब एक एक्टर ने किरदार को इतने गहराई से पकड़ा है यू फील दैट द एक्टर इज डन जस्टिस नाउ लेट्स सी हाउ द फिल्म इज टर्न आउट एंड कबीर खान इज़ अ ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ऑफकोर्स इज अ फिल्म मेकर ऑफ बॉलीवुड बट आई थिंक वो एक डॉक्यूमेंट्री एज is very important because it could become a Bollywood type but because he's a documentary filmmaker he has that sense as a filmmaker it should turn out better. So apart from the part of the film there are no characters in this movie so you're looking forward to I think this is Ranveer Deepika then I think about the remaining cast I know there is Taheer Raj Basim then there is the guy who was in Sacred Games whose name I've forgotten I'm sorry aur kuch aur and I think Yashpak whatever it is the
this is a film, and knowing Ranveer as a lead actor, all the actors will get a balance too, and it's of course such an important historic win. So I'm looking forward to it all. और हम लोगों ने ये I think इसने बड़ा अच्छा social media पे कहा था कि बहुत लोगों को इसके बारे में awareness है, लेकिन जो history है क्या क्या हुआ वो इस फिल्म के द्वारा हम सबको पता चलेगा. And I think they have depicted, so it's a moment कि 80s में क्या वो मोमेंट था, इंडिया हैड नो चांस, और कैसे कपिल देव और उनकी टीम ने इंडिया के लिए पहली हिस्टोरिक विन की थी. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सारी ऑडियंसेस के लिए, स्पेशली इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, टू नो अबाउट व्हाट इंडिया डिड एट दैट टाइम. थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव. अरे क्या लाइट है सर, सर सर यहाँ देखिए थोड़ा राइट है क्या? अभी ये लुक दिए कैमरे में, सर यहाँ नहीं देखा दर सेंटर थैंक यू थैंक यू सर बाय. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ रणवीर सिंह, हिज परफॉर्मेंसेस. सो इस मूवी में उन्होंने बहुत ही अलग परफॉर्मेंस की है, एंड एक किरदार को निभाना जब होता है अ बायोपिक ऑन कपिल देव, आई एम श्योर इज गोना किल इट. एंड ऑलरेडी इतने रिव्यूज अमेजिंग सुनाई दे रहे इसके बारे में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड साकिब्स कैरेक्टर. आई थिंक हिज कैरेक्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी कैंडिड और सरप्राइजिंग, ताकि और मज़ा आए. तो आई एम नॉट हैविंग एक्सपेक्टेशंस, जैसा चलता है देखते हैं कि कितने सरप्राइजेस आते हैं मूवी में. थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड. बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए, क्योंकि पहले मैं एक्टिंग से रिलेटेड मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ द बिगिनिंग. एंड उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस हुई है, काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस, काफ़ी सारे इमोशंस को इमोट करने का मौका मिला है, और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से. एंड थैंक्स टू दैट आई एम डूइंग अनदर म्यूजिक वीडियो. आई कॉन्ट लेट यू नो कि किसके साथ कर रहा हूँ, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग म्यूजिक वीडियो है, एंड यू गेट टू सी दैट सून. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यहाँ देखिए मैम, थोड़ा राइट है जो और लुक थोड़ा इधर. मैम इधर सेंटर. मैम यहाँ पे देखिए, अच्छा ये वाला कैमरा, अभी उसके बाजू वाला, अब उसके राइट साइड वाला, मैम ये वाला. अरे चलो थैंक यू भाई, थैंक यू. टॉयलेट चला रहा क्या? मुझे बहुत दिनों के बाद आज टाइम मिला था, मतलब मिली थी. आई वॉन्टेड टू रेस्ट, बट इस फिल्म के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी जब से ट्रेलर देखा था, जब से पता था फिल्म आने वाली है. सो आई गॉट अ चांस आई जस्ट गेट. अमेजिंग. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे बोलने से ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा, बट वॉज अमेजिंग. वो लगे ही नहीं पहले फर्स्ट लुक में कि रणवीर सिंह इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर. ही इज़ अमेजिंग. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स इन दिस मूवी, सो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी कैरेक्टर? या ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच ईच एंड एवरीथिंग. इनफैक्ट जब ये हुआ था, जब हम जीते थे, मुझे उस टाइम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं मदर सर की उन्हें पता है, शी हैज सीन एवरीथिंग इन न्यूज एंड, बट मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैंने बस सुना है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म एंड नो एवरीथिंग. I'm already working on one show right now. उसके सिवा एक music video आने वाला है, and that's it. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. सर यहाँ देखिए, थोड़ा राइट मार दी, थोड़ा राइट मार. सर यहाँ सर सेंटर
सर यू आर राइट, भूषण नाराज है थोड़ा, ये कैमरा अभी बाजू वाले में अभी राइट वाले में, थैंक यू बाय। चलिए बाय, उसको काटो। ओके सर, सो आई गेस यू आर ऑलरेडी इन अ मोड, रेट्रो जर्सी पहनी आपने, सो कितने जर्सी पे, इंडियन जर्सी पे या इसे इंडियन रेट्रो जर्सी यही चलेगा? ओह यही चलेगा, सिर्फ इंडियन रेट्रो जर्सी बोलो। ओके सो कितने ज़्यादा एक्साइटेड आज की मूवी? हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट फैनाटिक हूँ और क्रिकेट के बारे में आप मुझे कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा आपको, अभी के बारे में नहीं। मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो वो मेमोरीज को फिर से जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एक मैच जो इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे का था, जिसमें कपिल सर ने 175 नॉट आउट बनाया था, उस वक्त बीबीसी इस मैच को कवर नहीं कर रहा था, बीबीसी वाज ऑन स्ट्राइक। बहुत लोगों का कहना है कि मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में कि बीबीसी कवर नहीं कर रहा था क्योंकि उनको लगा इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे साला कौन देखने वाला है, इसको कवर मत करो, लेकिन अपने कपिल पाजी ने मचा डाला और उस मैच में ही स्कोर 175 नॉट आउट, विच एट दैट टाइम वॉज द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ वन डे मैच, तो मचा डाला अपन ने बीबीसी का। उस वक्त ना जहाँ तक मैंने पढ़ा ना, देर वॉज अ राइवलरी बिटवीन गावस्कर एंड कपिल देव, आई डोंट नो हु इज प्लेइंग गावस्कर इन दिस फिल्म, बट उस वक्त कैप्टनसी की राइवलरी होती थी कपिल पाजी और गावस्कर के बीच में। जैसे ही 1983 का वर्ल्ड कप जीता उसके बाद, बहुत ही शॉकिंग बात है, लेकिन उसके बाद कैप्टनसी चेंज एंड सुनील गावस्कर बिकेम द कैप्टन, जो यूजुअली होता नहीं है। आई मीन लाइक महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता 2011 में, उसके बाद अगर महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टनसी से निकाल दिया होता तो बड़ा अजीब लगता, हम सब रिवोल्ट कर जाते, लेकिन उन दिनों में कपिल पाजी के जगह पर सुनील गावस्कर को कैप्टन बनाया गया और फिर सुनील गावस्कर ने भी ऑस्ट्रेलिया में बेंसन एंड हेजेस चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। मुझसे अगर आप बात करोगे मैं क्रिकेट के बारे में कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दूंगा तो आप पूछिए। ओके सो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है उसके घर पे, और सविता शेट्टी काफ़ी अच्छा खेलती है, आपकी फेवरेट रह चुकी है, तो क्या कहना चाहते हो घर को, कितना ज़्यादा मिस कर रहा है? हाँ मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ घर को, पर एक बात अच्छी है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जितना मैं घर को मिस कर रहा हूँ उतना ही घर भी मुझे मिस कर रहा है। अच्छा लगता है जब मेरे घर के निकलने के बाद भी दो हफ्तों तक सिर्फ मेरी बात होती है और सलमान सर कहते हैं कि विशाल कोटेन तो इस सीज़न में अमर हो गए, तो बहुत मिस कर रहा हूँ घर को, बहुत मज़ा आया खेल के। अगर घर में होता तो शमित अक्का के साथ भी खड़ा रहता, अपनी दोस्त तेजस्वी के साथ भी खड़ा रहता, दोनों को मेरी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। जब भी मैं देखता हूँ ये सीज़न, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को अपसेट सा फील करता हूँ कि यार काश इस वक्त मैं घर में होता, पर जब तक था बहुत मज़ा आया, इतना सारा प्यार मिल रहा है तो बोल पाऊँ। मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया मेरे टॉप टू है शमिता और तेजस्वी, एक तरफ बहन है एक तरफ दोस्त, इसलिए टॉप टू ये दोनों। लेकिन गेम जीतते हुए मैं तेजस्वी को देखना चाहता हूँ क्योंकि शमिता अक्का फिर भी OTT से आए हैं, उनका एक एक्सपीरियंस रहा है, तेजस्वी ने इस सीज़न में खेला है और हमारे साथ वो एंटर हुई थी और जंगल से घर गई, इसलिए तेजस्वी प्रकाश। ओके सो आपकी स्टाइल में 83 के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। अब उनके बारे में 83 के बारे में पूछेगा तो 83 इज़ अ लैंडमार्क, साला 83 अगर नहीं होता और वर्ल्ड कप 83 नहीं होता तो इंडिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं होता, IPL शायद हमारे देश में आता ही नहीं, तो 83 के वजह से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई है इस देश में। 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, वेस्ट इंडीज़ जो एक कोशिश कर रहे थे हैट्रिक के लिए, 75-79 में वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप जीता, 83 में इंडिया ने वो हैट्रिक करने उन्हें नहीं दिया और उसके बाद एक अंडरडॉग टीम पॉपुलर हुई, वैसे ही जैसे मैं अंडरडॉग रहते हुए बिग बॉस के घर में पॉपुलर हुआ। So, bowl bomb to Kapil Paji and his team and bowl bomb to all of us. भाई ये पूछना नो बोल किसे का? Resume meeting है। Okay, आइए ऐसा। Okay sir, so you have organized this 83 experience. So, what do you want to say about it? Collaboration with 83 is basically collaboration with India. Yeah. Like what his jersey says, basically India. Yeah. Cricket. Entertainment, Ranveer Singh, Kapil Dev, Kabir Khan, a blockbuster. Right. And that is where even our brand stands at. It's a blockbuster. Yeah. Very well said, very well said. So, ek mere style mein par, bol bum. Bol bum. Thank you, sir. Thank you. Ritin sir, ji, 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 ji. Sir. Ji. Sahi aage sir. Haan. Upar, upar. Ritin sir. ऊपर नहीं गया, नहीं ये क्या है, ये हिल रहा है, नहीं चल रहा।
पहले आपका टाइप कर रहा था मैं पूरी दुनिया इधर जी हेलो 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 ओके सो 83 मूवी की स्क्रीनिंग में आप लोग आए हो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो सुपर एक्साइटेड बहुत एक्साइटेड है बिकॉज एक तो क्रिकेट फैन है दूसरा अब जब इंडिया ने वो 83 का वर्ल्ड कप जीता था तो हमने सुना देखा था लेकिन वैसा नहीं देखा लेकिन अब ये अगर ऐसा दिखाया गया और जो हमने सुना है कि इट इज़ लाइक प्रॉपर हिस्ट्री कैसे रिपीट हुई और क्या हुआ था एग्जैक्टली हर एक मोमेंट है और सब कुछ है वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड ट्रेलर ये रीजन है आज हमने आए Everyone whoever contributed for that victory, I think किसी भी टीम में किसी भी विक्ट्री के लिए एक टीम एफर्ट होता है तो पूरी टीम का एफर्ट होता है ऑफकोर्स रणवीर सिंह को देखने के लिए आए हैं डेफिनेटली बट एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट तो पूरी टीम को देखना है और जो हमने सुना है और जो हमने ट्रेलर में देखा है एवरीबडी इज ट्रू सो वी आर एक्साइटेड ऐसे बाहर आए बाहर निकले और हर फिल्म थिएटर में देखें यही हमारी मंशा है यही उम्मीद है थैंक यू गाइस थैंक यू जान जान सेंटर सही यहाँ पे बोलने के लिए सो माय मॉम इज अ मैड फैन ऑफ क्रिकेट एंड शी टोल्ड मी दैट शी सीन द 83 वर्ल्ड कप विथ हर लाइक यू नो माय नाना जी एंड ऑल एंड शी इज लिव दैट मोमेंट सो फॉर मी टू विटनेस इट बिकमिंग अ फिल्म अगेन यू नो अपलोडिंग अ फोटो सेइंग द लैंडमार्क मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट बिकम द लैंडमार्क मोमेंट फॉर बॉलीवुड हिस्ट्री आई थिंक दैट इज कमिंग ट्रू फॉर अस आई थिंक मुझे ये फील हो रहा है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण और ज़्यादा पैसे कमाएंगे और ज़्यादा रिच हो जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली द फिल्म इज इट्स अ ग्रेट हिट एंड ऑल्सो आई स्टिल रिमेंबर पापा स्टोरी सुनाया करते थे कपिल देव की यू नो वो पूरे एरा की कि कैसे वो सब हुआ था तो आई थिंक वो जब देखने को मिलेगा दैट इज गोना बी वेरी आई थिंक इंडिया प्राइड वाली फीलिंग इट्स गोना बी एपिक या टू विटनेस दैट ऑन स्क्रीन एंड दे हैव डन इट वेरी क्लोज टू द एक्चुअल हैपनिंग सो वी गेट टू लिव इट अगेन आई फील नहीं मैंने पिक्चर तो अभी देखी नहीं तो मुझे नहीं पता कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं आई एम वन ऑफ दोज जो जाके डिस्कवर करना चाहता है अगर हम वहाँ से बाहर निकल के आप लोग हुए तो ज़रूर बताएंगे कि कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा आई एम एक्साइटेड फॉर रॉजर बिन्नी एंड संदीप पाटिल का कैरेक्टर बिकॉज आई नो चिराग एंड रॉजर बिन्नी का कैरेक्टर वॉज लुकिंग इंटरेस्टिंग इन द प्रोमो इन द ट्रेलर सो आई एम एक्साइटेड फॉर दोज टू अपार्ट फ्रॉम द मेन ऑफ कोर्स अपकमिंग प्रोजेक्ट्स I'm going to be silent about it. There are upcoming projects, but मैं अभी नज़र बिलीव करने लग गया हूँ सो मैं बोलूँगा नहीं बट है काफ़ी चीज़ें हैं नज़र की बात नहीं बट ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट टिल द टाइम थिंग्स आर हैपनिंग देयर इज न्यू ईयर्स इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज आई होप सो बिकॉज देर आर सम न्यू पॉडकास्ट एंड वन शॉर्ट फिल्म कमिंग बट उसके बारे में ज़्यादा बात तब कर पाएंगे जब वो रिलीज होगी Gonna be my love, for sure, 100%. इसने बोल दिया इसका साल होगा तो मैं क्या ही करूँगा नहीं भाई आई जस्ट होप दैट एवरीबडी इज सेफ दिस ईयर वी गेट रिड ऑफ द वायरस बिकॉज इसकी वजह से आगे हमारी सबकी जिंदगियों में बहुत बदलाव आए थे विच वी डिडंट नो हाउ टू एडजस्ट विथ
आई जस्ट सो 2022 में कोविड ओमिक्रॉन ये सब कुछ न्यू ईयर न्यू मी वाला जो प्लान है ना कोविड का वो खत्म करेक्ट आई जस्ट होप वो हो जाए आई जस्ट होप दैट एक ऐसा सीजन आए जहाँ और बिग बॉस जहाँ पुराने कंटेस्टेंट्स ना आए आई जस्ट होप एक ऐसा टाइम आए जहाँ पे ओके सो बिग बॉस की ही बात की है तो बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहूँगा बिग बॉस अब कितना फॉलो करें दिस गाइज फॉलोइंग इट रेगुलरली आई कीप सीइंग योर ट्वीट्स एंड स्टफ बट देखो बिग बॉस ना देखते सब अरे लेट मी फिनिश सब बोलते रहते हैं हम नहीं देख रहे हैं हम नहीं फॉलो कर रहे हैं मैं तो नहीं देख रहा नहीं नहीं मैं नहीं देख रहा मैं सिर्फ कलर्स की आई स्वेयर आई डोंट आई जस्ट सी द कलर्स का व्हाट एवर दे अपलोड ऑन देयर इंस्टाग्राम उतना ही आई सी आई सीन लाइक करण के क्लिप्स प्रतीक के क्लिप्स एंड ऑल्सो आई लाइक करण गेम करण इज लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड था ब्लू फ्रेंड आई रियली लाइक करण गेम एंड तेजस्वी एंड करण टुगेदर I like them both. And apart from that, Pratik is also good. क्या किस बारे में मैं तो देख रहा हूँ मैं करण कुंद्रा को सपोर्ट कर रहा हूँ ऑब्वियसली बिकॉज वो बहुत पुराना क्वींटिंग से है फ्रेंड है एंड जब मैं अपना पहला शो करने वाला था बिकॉज कितनी मोहब्बत है आई वॉज कास्ट नहीं लेकिन मैं 110 किलो का था तो मुझे शो से हटा दिया गया और दूसरा शो दिया गया बट या बी रिहर्स फॉर 2 months एंड इज अ वेरी स्वीट गाय एंड मैं तो यही चाहूँगा कि वो जीते थैंक यू नहीं चलेगा डन डन थैंक यू डन सर आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जो सारे इंडियंस ने महसूस की है एंड ऑल द लिविंग लेजेंड्स आर राइट हियर आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज लवली प्लेयर्स एंड ऑफ कोर्स रणवीर सिंह इज माई फेवरेट सो व्हाट इज द वन थिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नुआंसेस क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ मैं बाकी एक्टर्स को लिविंग लेजेंड्स जो जो है जिनकी प्रेजेंस आज भी है उनको परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ तो जितने दिग्गज कलाकार हैं उनके बारे में उनको परफॉर्म करते हुए देखें एज एन एक्टर क्या उन्होंने परफॉर्म किया है जो लिटिल नुआंसेस उन्होंने डाले हैं वो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड और ऑफकोर्स इट्स अ कबीर खान फिल्म देर इज एमी विर्क एंड देर इज हार्डी संधू एंड देर इज आकिब सलीम एंड ऑल दीज लवली एक्टर्स और इतना दे विल पुटिंग सो मच हार्ड वर्क इतने वक्त से वर्कशॉप चल रही हैं एंड आई हैव बीन सीइंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म और बहुत वक्त से दे विल प्रैक्टिसिंग इट सो मेरे को देखना है सेल्यूलॉइड पे कैसे निकल गया है 20? 22. I am seeking a lot of work and this is what motivates me, Ranveer Singh always. So I'm trying to up my body of work. Thank you so much. Thank you, thank you. Felt very excited. 83 तो हमारे लिए एक iconic moment रहा है, एक proud moment रहा है हर Indian के लिए तो 83 को तो कोई भूल नहीं सकता. तो बहुत excited हूँ ना. Of course, such a historic film and then you have Kabir Khan, a name, a huge name associated. Looking forward to it and of course Ranveer Dimika coming back as a pair, so really excited. Okay. Is there any particular thing you are looking forward for this movie? I think just a lot of excitement. 83 humne apni aankhon se to nahi dekha, you know, wo sare moments aur wo backstories. So I think yahan par hame wo backstories dekhne ko milengi. Bahut kuch aisa dekhne ko milega jo humne apni aankhon se nahi dekha hai. So yeah, looking forward. Apart from Ranveer Singh, there are many characters in this movie. So are you looking forward to any characters? Well, see, I've been a huge fan of Kapil Dev since I was a kid, so I think I'm completely looking forward to Kapil Dev, and of course, I'm also looking at whoever's playing Sunil Gavaskar. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. मैं तुम दुल्हन की तरह खड़ा कर रहे थे वाला. भाई थोड़ा सा ये साइड आइए ना. Right. आ रहे थे. आसिफ कैमरा. सर यहाँ. डन 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 सर फिलहाल भाई ये कैमरा चलिए भाई देखो भाई कैसे हो ओके सो इट्स अ डे ऑफ 83 हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी क्रिकेट रणवीर सिंह कबीर सर की फिल्म और 3.5 घंटे की फिल्म है शायद कि एक जर्नी
जो हमने 83 में कंप्लीट की थी, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, तो था भी नहीं मतलब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं यूट्यूब पे क्रिकेट मैच के। आज पूरी मूवी देखूंगा, जर्नी बायोपिक है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी बायोपिक बनती रहनी चाहिए हमारे इंडिया। Okay, so it's a historic moment for all the Indian people. Are you looking forward for any particular moment in this match? 175 Kapil sir ने जब वो स्कोर किया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, तो वो बीबीसी स्ट्राइक पे था उसने, और उसने रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो मैच, तो मैं वो मोमेंट देखना चाहता हूँ। बाकी सब तो देखा है मैंने, और वो लास्ट का मोमेंट मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, जो वो दौड़ते हैं विकेट को करने के लिए, सो वो एक मोमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर की मैं बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, श्रीकांत सर का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, और उसके बाद रॉजर बिन्नी का, क्योंकि रॉजर बिन्नी ने उस हाईएस्ट विकेट टेकर थे उस वर्ल्ड कप में, सो उनका जो जिन्होंने प्ले किया। ओके, सो बिग बॉस कितना फॉलो करता है? थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ, जो भी मतलब इंस्टाग्राम या कहीं पर भी क्लिप से देखते हैं। ये देखो बिग बॉस के सवाल आते हैं, देखो ये कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो सारे मतलब काबिल तारीफ में अच्छा खेला उन्होंने, और अच्छा खेलने के अलावा ऑडियंस उनको पसंद करते हुए आई है, तो तभी वो यहाँ तक आए। टॉप थ्री का नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब उमर ही जीते, तो मेरे लिए टॉप थ्री होगा फर्स्ट उमर, सेकेंड उमर, थर्ड उमर। मैंने उतना शो फॉलो नहीं किया था सच में, बहुत छोटे छोटे क्लिप्स दिखते रहते हैं आई जी टी वी पे या फिर उसके इंस्टाग्राम पे, वही देखा है मैंने, और उससे देख के आप कुछ जज नहीं कर सकते किसी को भी कि किसके बीच में क्या है, कैसे है और कैसा लग रहा है कैसा नहीं। दोनों ही दोस्त हैं मेरे, और मैं चाहूँगा कि वो जल्दी घर से बाहर आएँ और फिर से हम एक बार मिलें और फिर से दोस्ती होगी। अच्छा, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ऐसा मूड नहीं है। बिग बॉस एक अलग ही गेम शो है, उसको करने के लिए आपको बहुत ही अलग तरीके का टेम्परामेंट, अलग तरीके का माइंड सेट चाहिए, जिसमें मैं नहीं हूँ। पता नहीं, एक्साइटेड हैप्पीनेस और क्या है इसके अलावा, क्या ही बोलूँगा, पॉजिटिवनेस। मैम यहाँ देखिए, सेंटर चलिए भाई, थैंक यू जी मैम। वेल ऑनेस्टली, मैं जब 83 रिलीज हुआ था वर्ल्ड कप, मैं पैदा भी नहीं हुई थी, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि व्हाट इज़ द मूवी ऑल अबाउट और उसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है। मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं एक्चुअली क्रिकेट खेलती हूँ, देखती नहीं हूँ ज़्यादा, बट या आई लव टू प्ले क्रिकेट, सो आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी। ओके, यू नो रणवीर सिंह के अलग अलग लुक देखने को मिले, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना पसंद आया? वेल, वो ऑलवेज ऐसे एक्टर रहे हैं कि हर फिल्म में उनका लुक बहुत अलग होता है बाकी एक्टर्स से, तो मैंने प्रमोशन के भी कुछ कुछ देखे हैं, उनके लुक्स बहुत अच्छे हैं, सो इन द फिल्म आई एम एक्साइटेड। आई थिंक उन्होंने जो कपिल देव का यू नो कैरेक्टर पिकअप किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ही लुक्स जस्ट लाइक हिम एंड इज एक्टिंग जस्ट लाइक हिम, सो या। वेल आई एम थैंकफुल फॉर देम, क्योंकि मुझे टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी अब देखने के लिए, मुझे स्पेशल स्क्रीनिंग पर जाने पड़ रहा है, सो या थैंक यू टू देम। Well, I think it's great, and frozen food is like one of my favorite things. हमें हमेशा जब भूख लगती है, we'll always go and see कुछ जल्दी बनाने को क्या है, like Maggie. So that's it, and thanks for organizing this. And जाके वो देखिए, मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया है, दैट इज फॉर हिमेश रेशमिया, सो अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखोगे सो यू विल फाइंड इट देयर, एंड या फ्यूचर प्रोजेक्ट जब आने वाला होगा मैं बताऊंगा। न्यू ईयर्स के लिए ऑनेस्टली मैंने बहुत क्लोज प्लानिंग रखी है, सिर्फ अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कोविड अभी भी है, एंड यू नो आई थिंक हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, केसेस भी बढ़ रहे हैं, सो या स्पेंड टाइम विथ योर क्लोज पीपल एंड मास्क पहनना।
सो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ मेरी क्रिसमस टू ऑल माई फैंस. थैंक यू सो मच मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए. लव यू ऑल. बाय. थैंक यू. थैंक यू. हाँ बस भाई दो मिनट. एक मिनट भाई.